नमस्कार। हम बात कर रहे थे आपदा प्रबंधन चक्र की, और अब तक हमने बात की आपदा रोकथाम और न्यूनीकरण की। इसमें हमारे प्रयास थे कि या तो आपदा घटित ही ना हो, या फिर उसके जो प्रभाव हैं वो अपेक्षाकृत काफी कम हो जाए। पर हर स्थिति में तो आपदा को ना रोका जा सकता है, ना प्रभावों को एकदम शून्य किया जा सकता है। अब भूकंप, चक्रवात, आंधी, तूफान, बाढ़, ये तो हमेशा से आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि हम आपदा का अच्छे से सामना कर पाए, जो प्रभावित जन समुदाय है उसके कष्टों का निवारण कर पाए, उसको जल्द और उचित राहत पहुंचा पाए, उसका पुनर्स्थापना कर पाए, पुनर्वास कर पाए। तो ये सभी कार्य जो है वो हम पूर्व तैयारी के अंतर्गत करते हैं। जैसा कि अभी हाल हमने बात की थी कि जो इलाके चक्रवात से प्रभावित होने वाले हैं, जो जन समुदाय चक्रवात से प्रभावित होने वाला है, लैंडफॉल से पहले हम उसे सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचा सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ताकि चक्रवात में नुकसान ना हो। पर ऐसा करने के लिए हमारे पास मॉनिटरिंग के उपकरण होने चाहिए, हमारे पास वार्निंग डिसिमिनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे पास पहले से आश्रय स्थल बने हुए होने चाहिए। अगर हम बाढ़ की बात करें तो बाढ़ की चेतावनी हमें समय पर मिल जाए तो हो सकता है हम प्रभावित हो सकने वाले समुदाय को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें। हो सकता है हम हमारे जो बाध हैं उनसे हम पहले ही पानी छोड़ दें, क्योंकि हमें मालूम है कि पीछे से बाढ़ का पानी आ रहा है। परंतु तो ऐसा करने के लिए हमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए। हो सकता है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन चाहिए, डॉपलर रडार हो सकता है, हमें वाटर लेवल रिकॉर्डर चाहिए। इन सब डाटा को संग्रहित करके संप्रेषण करने की व्यवस्था, उनके ट्रांसमिशन की व्यवस्था चाहिए। इनके एनालिसिस के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि वार्निंग दे पाए हमको। हो सकता है स्थान का डिजिटल एलिवेशन मॉडल चाहिए, डिजिटल टेरेन मॉडल चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि किस इलाके तक पानी भरेगा, कहाँ नहीं भरेगा, कौन से इलाके सुरक्षित रहेंगे, कौन सी अवसंरचनाएं बाढ़ में डूब जाएंगी, कहाँ ज्यादा इनंडेशन होगा, कहाँ कम इनंडेशन होगा, उसी इसी सब के आधार पे तो हम वार्निंग दे पाएंगे। और फिर अंतिम व्यक्ति तक समय पर वार्निंग पहुंचे, इसके लिए कम्युनिकेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये सब काम हम आपदा के पहले का जो समय है उसमें करते हैं। अगर हमारी पूर्व तैयारी अच्छी है, उस समय हमने सही उपकरण लगाए हैं, सही व्यवस्थाएं की हैं, तो हमारी वार्निंग सही जनरेट होंगी, हम सही समय पे लोगों को वार्निंग दे पाएंगे, हम लोगों को बचा पाएंगे। ऐसा ही कुछ जैसा कि हमने बात की थी कि हम भू उपयोग नियमन कर सकते हैं, ऐसे इलाकों में जहां खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, वहां से लोगों को हटा सकते हैं, उनको दूसरी सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर सकते हैं। परंतु तो ऐसा हवा में तो नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमको क्षेत्र का विभिन्न जो संकट है उनके लिए वल्नरेबिलिटी और हजार्ड असेसमेंट करना होगा। इसके लिए कई प्रकार के हमें तकनीकी अध्ययन करने होंगे, सोशियो इकोनॉमिक अध्ययन करने होंगे, किस तरह की वल्नरेबिलिटीज हैं, उनके कारण क्या है, हजार विगत में कब कब आया है, क्या परिमाण रहा है, किस तरह के लॉसेज हुए हैं, किस तरह का नुकसान हुआ है, उस सब का डाटा एकत्रित करना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा। उसके आधार पे हम कुछ क्षेत्रों को चिन्हित कर पाएंगे कि सच में यहाँ पर जोखिम ज्यादा है और यहाँ से लोगों को विस्थापित करना या अवसंरचनाओं को हटाना जरूरी है। जब हमारे पास इस तरह के आंकड़े होंगे तभी हम अपनी बात को मजबूती से रख पाएंगे और इसके लिए हमें मंजूरी मिल पाएगी। हमने बात की थी कि आपदा घटित होने के बाद जो गोल्डन रूल है वो ये कहता है कि जितनी जल्द और जितना प्रभावी हमारा प्रतिवादन होगा उतना ज्यादा लोग बच पाएंगे। तो पूर्व तैयारी की अवधि में हम प्रतिवादन दल तैयार कर सकते हैं। आज हमारे पास राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिवादन बल है, कई राज्यों ने राज्य आपदा प्रतिवादन बल बनाए हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स भी अब जिला आपदा प्रतिवादन बल या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाने लगे हैं। तो आपदा तैयारी के समय हम इस तरह की फोर्सेज बना सकते हैं, उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं, जिस तरह के संकट हमारे वहां विद्यमान है उनका सामना करने के लिए उनको प्रशिक्षण उपकरण दे सकते हैं। अगर ये सब हमने किया है तो हमारा रिस्पॉन्स अच्छा होगा, हम समय पे लोगों तक पहुंच पाएंगे, उनको बचा पाएंगे। हम कितने भी प्रयास कर लें, विभिन्न कारणों से, हो सकता है मौसम संबंधित बाधाएं हो, यातायात अवरुद्ध हो, दूसरे कारण हो, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ को हम हर जगह तो तैनात कर नहीं सकते।
ज्यादातर स्थितियों में जो रिस्पॉन्स है वो प्रभावित क्षेत्र के आसपास जो लोग हैं या जो लोग सुरक्षित रह गए उनके द्वारा ही किया जाता है। अगर हम आपदा पूर्व तैयारी की अवधि में उन लोगों को प्रशिक्षण दे दें कि किस तरह से जीवन बचाना है, किस तरह से खोज एंड बचाव करना है, तो हम जब तक प्रशिक्षित लोग या जो फॉर्मल रिस्पॉन्डर्स क्षेत्र में पहुंचते हैं तब तक हम हमारे जो ये प्रशिक्षित लोग हैं वो काफी जाने बचा पाएंगे। और ऐसा यहाँ उत्तराखंड में हम लोग 2010 से लगातार कर रहे हैं। 10 दिन का खोज एवं बचाव और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और इसके अंतर्गत अब तक 16-17 हजार से ज्यादा जो वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है। वो गाँव में अवस्थित है, विभिन्न स्थितियों में अपना योगदान दे रहे हैं। और ऐसा ही कुछ जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी आपदा मित्र स्कीम जो है उसके अंतर्गत भी यही सब किया जा रहा है। अब आपदा के समय केवल रिस्पांस एजेंसीज ही तो काम नहीं करती, केवल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इनके अलावा भी कई विभाग रहते हैं जो आपदा के समय अपना योगदान देते हैं। वो स्वास्थ्य विभाग हो सकता है, बिजली, पानी, साफ सफाई की सेवाएं देने वाली संस्थाएं हो सकती हैं, सड़क बनाने वाली संस्थाएं हो सकती हैं, तो इन सबको मिलके काम करना होता है। और आपदा के बाद चूक की या रिटेक्स की कोई संभावना नहीं होती, आपको जो काम करना है पुख्ता करना है। वहां पर एक भी गलती प्राणघाती हो सकती है, उससे काफी लॉसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हर विभाग को पता हो कि उसे क्या करना है और दूसरे को क्या करना है। इससे जहां एक तो पुनरावृत्ति नहीं होगी और दूसरे जो आपदा के समय है उस समय संशय की स्थिति नहीं रहेगी, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आपदा पूर्व तैयारी की अवधि में हम सभी विभाग मिलके मॉक एक्सरसाइजेस करें, साथ में मिलके एसओपीज बनाएं, मानक प्रचालन कार्यविधियां बनाएं, योजनाएं बनाएं। हमें पता हो कि प्रभावित क्षेत्र में कितने लोग ऐसे हैं जिनको विशिष्ट सहायता की आवश्यकता है, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं या अपंग हैं, उनके लिए हमें क्या करना है ये हमें पता हो। वो तभी पता होगा जब आपदा पूर्व तैयारी की अवधि में हमने सर्वेक्षण किए होंगे, हमारे पास डाटा होंगे, हमारे पास जीआईएस फॉर्मेट्स में डाटा होंगे। आपदा के समय कई स्थितियों में जो संचार व्यवस्था है वो प्रभावित हो जाती है, तो क्या हमने दूरस्थ क्षेत्रों में अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था की है, वहां कुछ ऐसी व्यवस्था की है जो हमेशा चलती रहेगी, क्या हमने उन्हें सैटेलाइट फोन्स दिए हैं। कई बार बातचीत करते समय ऐसा लगता है कि सैटेलाइट फोन जो है वो 2 साल से उपयोग में नहीं आ रहा और उस पे खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कई बार इस तरह की चर्चा होती है कि ये देने का कोई उपयोग है भी या नहीं। परंतु वो एक इमरजेंसी उपकरण है। अब आपने कोई बड़ा आग बुझाने का यंत्र खरीदा है जो कि 20-30 मंजिल तक आग बुझा सकता है, हो सकता है आने वाले 5 साल तक इस तरह की कोई आग ना लगे, परंतु आग न लगने से आप उस उपकरण की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। बीमा का लाभ तो आपको तभी मिलेगा जब आपकी मृत्यु होगी, परंतु बीमा के औचित्य पर आपकी मृत्यु ना होने से कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगता। इसीलिए जरूरी है कि हम गाँव के स्तर तक संचार की व्यवस्था करें, उपकरणों की व्यवस्था करें, दूसरी व्यवस्थाएं करें, हमारी योजनाएं बनी रहें। और ज्यादातर स्थितियों में हमने बात की थी कि हमारे घर सुरक्षित बने होंगे अगर उनमें आपदा सुरक्षित तकनीकों का उपयोग होगा तो वो आपदा के समय सुरक्षित रहेंगे। अब हर जगह आदमी बैठा के पुलिसिंग करवा के आपदा सुरक्षा जो उपाय हैं उनका अनुपालन तो नहीं करवाया जा सकता। ये सब तो लोगों को स्वैच्छिक रूप से करना होगा। हमें जो हम हजार्ड असेसमेंट कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, उसे अपनी अलमारियों से निकाल के लोगों तक ले जाना होगा। ज्यादातर स्थितियों में ऐसा देखा गया है कि सरकारें हजार्ड असेसमेंट या रिस्क असेसमेंट तो करवा लेती हैं, परंतु उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करती है। अगर लोगों को पता होगा कि उनके ऊपर किस तरह का जोखिम आसन्न है तो वो निश्चित ही सुरक्षा के लिए उपाय करेंगे। हर आदमी को, वो आप हो या मैं, अपने परिवार की इतनी चिंता तो होती ही है, तो ऐसे में सरकारों का दायित्व तो होता है कि वो जो भी उन्होंने हजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया है उनकी रिपोर्ट को पब्लिक करें, उनको लोगों तक ले जाएं, उनको प्रचार प्रसार करें। और ये प्रचार प्रसार जो है सरल भाषा में होना चाहिए, उसमें सुसंगत उस स्थान से संबंधित पिछले उदाहरण होने चाहिए
और अगर पूर्व तैयारी की अवधि में हम आप ऐसा कर पाए तो आपदा सुरक्षित तकनीकों का, आपदा सुरक्षित विधियों का, आपदा सुरक्षित उपायों का स्वैच्छिक अनुपालन होगा। हमारी जो समुदाय है वो आपदा सुरक्षित बन पाएंगे और हम आपदा से होने वाले जो नुकसान है उनको कम कर पाएंगे। हमारा जो विकास है वो सतत रूप से चल पाएगा और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हम विकसित राष्ट्र बन जाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।